अपनी लाइफ को आज से बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल हेलो नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या कोई मामूली गैरेज में काम करने वाला इंसान अपनी स्टेट का नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का सबसे पावरफुल और सबसे अमीर इंसान बन सकता है। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में ही बात करेंगे जिसने अपने अच्छे खासे जॉब को छोड़कर अपने घर के गैरेज से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो पृथ्वी के सबसे अमीर इंसान बन सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेफ बेजोस की, जो अमेज़न के फाउंडर है। इनके बिजनेस लेसन्स आपको भी बहुत मदद करेंगे आपको लाइफ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप पूरी तरह से समझ सको कि जेफ बेजोस इतने पावरफुल और सक्सेसफुल कैसे बने। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में हुआ था और वो बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे। उन्हें नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था और वो नई नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जेफ बेजोस कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट थे और वो न्यूयॉर्क में एक फंड मैनेजर थे और बहुत जल्द वो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने शादी के जस्ट बाद ही अपनी जॉब छोड़ दी। ये उनके लिए बहुत ही रिस्की साबित हो सकता था क्योंकि अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने इस बात पे गौर किया कि हर साल 2300% इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन उस समय ये बहुत ही रिस्की था क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता थी कि इंटरनेट क्या होता है। लेकिन आज जेफ बेजोस फोर्ब्स के लिस्ट में एक गेम चेंजर का टाइटल मिला है, रिचेस्ट इन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, एक इनोवेटिव लीडर। और जेफ बेजोस दुनिया के पहले ऐसे इंसान है जिनकी पर्सनल नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है। सबसे पहले उन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर का नाम cabedra.com रखा, फिर बाद में उन्होंने अपने स्टोर का नाम चेंज करके अमेज़न रख दिया क्योंकि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और वो चाहते थे कि उनका स्टोर भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बने। और यही बात उनका लोगो भी दर्शाता है, ए टू जेड प्रोडक्ट डिलीवरी की। लेकिन जेफ बेजोस के लिए ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने समझदारी के साथ काम किया। उन्होंने सबसे पहले 20 ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई जो लंबे समय तक खराब न हो सके और जिन्हें ऑनलाइन आसानी से बेचा जा सके। सबसे पहले उन्होंने बुक से स्टार्ट किया। उनकी टीम में वो खुद अकेले थे, वो खुद ही ऑर्डर लेते थे और खुद ही डिलीवरी करते थे। जेफ बेजोस के स्टार्टिंग के समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा और उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड करना शुरू किया, जैसे CDs, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिलीवरी आसान हो, ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन बेचे जा सकते हो। वो खुद ही अपने वेबसाइट डिजाइन करते थे, प्रमोशन और डिलीवरी खुद ही करते थे। उनके पास उस समय अपने वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे और न ही उनके पास कोई ऑफिस था, इसलिए उन्होंने अपने घर के गैरेज से ही अपना काम स्टार्ट किया था। लेकिन आज 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से आज उनकी कंपनी अमेज़न में 7,50,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। amazon.com की शुरुआत जून 1995 को हुई थी, लेकिन 4 साल बाद ही 1999 में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 6 अरब से ज्यादा थी। जेफ बेजोस का एक कोड है जिसमें वो कहते हैं, अगर आपकी कंपनी में नए कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आपकी कंपनी बूढ़ी होती जा रही है, और आपकी कंपनी को यंग बनाने के लिए आपको दोबारा नए नए कस्टमर्स की जरूरत होगी। क्योंकि जो बिजनेस मॉडल या सिस्टम पास्ट और प्रेजेंट में प्रॉफिटेबल थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में भी वही काम करे, क्योंकि अगर फ्यूचर भी प्रेजेंट की तरह हो तो वो फ्यूचर नहीं होगा। तो फ्यूचर के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है जिससे हम अपने कस्टमर को एक नया एक्सपीरियंस और नई वैल्यू दे पाए। अगर मैं अपने कस्टमर्स को पूछता क्या उन्हें कोई ऐसा वेबसाइट चाहिए जिससे वो दुनिया के हर चीज ऑनलाइन घर बैठे ही मंगा सके, या कस्टमर्स के इस बात के बोले जाने का वेट करता, तो हम कंपटीशन के कारण बहुत ही पीछे हो जाते क्योंकि उस समय मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे होते। लेकिन हमने कस्टमर्स के बोलने का वेट नहीं किया, और एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने कस्टमर्स की नीड को समझ सके और उन्हें एक नई वैल्यू दे सके। जेफ बेजोस एक विजनरी लीडर है और इसी कारण उन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर को दुनिया की सबसे बड़ा स्टोर बना दिया जो आज $1 ट्रिलियन का मार्केट है। उन्होंने amazon.com को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दी है। तो लेसन नंबर 1 जो आप जेफ बेजोस से सीख सकते हो, फॉलो योर हार्ट। जेफ बेजोस ने अपने हार्ट को फॉलो किया और इसीलिए उन्होंने अपने इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा, जो उस समय लोगों के हिसाब से बहुत ही गलत फैसला था। लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप करने का सोचा। जेफ ने रिस्क लिया और लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेसन सीखे, अपनी सक्सेस से भी और अपने फेलियर से भी। लेसन नंबर 2, बी ए ट्रेंड सेटर। कुछ लोग होते हैं जो किसी ट्रेंड को, किसी फैशन को फॉलो करते हैं, लेकिन जेफ बेजोस जैसे लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते बल्कि वो खुद अपना ट्रेंड और फैशन बनाते हैं। वो मार्केट में किसी नई चीज के साथ उतरते हैं और पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं, एक मोनोपोली क्रिएट करके। तो एक बिजनेस लेसन आपके लिए ये है कि अगर आप अपने मार्केट में, अपने बिजनेस पर किसी ऐसे चीज को ऐड कर सको जो नई है और लोगों को इसकी नीड भी है, तो आप मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। लेसन नंबर 3, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम।
मैंने जेफ बेजोस के बारे में अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है, जिसमें मैंने कहा था कि आपको एक टीम बनानी चाहिए और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप एक पावरफुल स्ट्रांग टीम बना लेते हो तो आपकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की टीम जो आपको एडवाइस करती है, जो आपको भी मोटिवेट करती है, जो आपकी स्पीड को बढ़ा देती है, जो आपको डिसीजन लेने में मदद करती है, जो आपके मिस्टेक को मिनिमम और आपके एफर्ट को मैक्सिमम कर देती है। लेसन नंबर 4, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। जेफ बेजोस बचपन से ही एक्सप्लोर करने के शौकीन थे। उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते थे। बचपन में वो अपने कंप्यूटर को खोलकर चेक करते थे कि उसके अंदर क्या है, और ऐसे ही लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में वो नई नई चीज़ें करते रहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस में भी नई नई चीज़ें ऐड की। चाहे वो उनके किंडल जैसे प्रोडक्ट हो जिसमें आप ई बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर अमेजॉन बेसिक्स के प्रोडक्ट हो। अगर आप भी चाहते हो कि आप लोगों की नज़र में आओ, तो आपको भी कुछ नया करने की ज़रूरत है। नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो, और इसका रिजल्ट स्लो ही लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। पांचवा लेसन जो आप जेफ बेजोस से सीख सकते हो। जेफ बेजोस कहते हैं, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन नॉट मनी। अगर मैं पैसे के पीछे भागता तो मैं अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी नहीं बना पाता। हम अपने कस्टमर को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। जेफ बेजोस बिलीव करते हैं इस बात पर कि वो कैसे अपने कस्टमर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, क्योंकि अगर आप किसी एक कस्टमर को भी एक नया और अच्छा एक्सपीरियंस कराने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो वो खुद आपका प्रमोटर बन जाता है और आपकी कंपनी के बारे में दूसरों से भी शेयर करते हैं। इसलिए आपको अपने कस्टमर्स को ऐसा ही बेस्ट एक्सपीरियंस कराना चाहिए। लेसन नंबर 6, जेफ बेजोस कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो परफेक्ट हो जाती है तो आप अकेले नहीं होंगे उस काम को करने के लिए, फिर करोड़ों लोग भी उस काम को कर रहे होंगे। इसलिए अगर आपको कोई काम करना है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचे बिना उस काम को शुरू कर दो। जैसे जैसे आप उस काम को करते जाओगे आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर कस्टमर्स से फीडबैक लेते जाओ, उस काम को इम्प्रूव करते जाओ। ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि उस काम का परफेक्ट हो जाने के बाद उस काम को शुरू करूंगा, कि उस काम की परफेक्ट तैयारी हो जाने के बाद उस प्रोजेक्ट को मार्केट में उतारूंगा। इस लेसन को आप अपने लाइफ में भी ऐड कर सकते हो। आप किसी नॉर्मल चीज़ को भी बार बार उस बारे में सोच कर उसे क्रिटिकल बना देते हो, तो अगर आपको कोई काम करना है तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बल्कि उस काम की शुरुआत करो। आप धीरे धीरे उस काम में इम्प्रूव करोगे और लोगों से फीडबैक लेकर उस काम को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जेफ बेजोस की, और उम्मीद करूँगा इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। ये सारी बातें मैंने आपको जेफ बेजोस की बुक और अपने खुद के ओन रिसर्च से बताई है। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। बी स्मार्ट, बी अवेयर।